भद्रा कान में क्यों नहीं बांधी जाती राखी, जानिए कौन थी भद्रा। धार्मिक पुराणों और मान्यताओं के मुताबिक भद्रा शनिदेव की छोटी बहन है। ऐसा माना जाता है कि भद्रा का जन्म राहुकाल में हुआ था, इस कारण भद्रा का स्वभाव उग्र और अशांत है। वह जिसके लिए बुरा सोचती है उसके साथ बुरा ही होता है। भद्रा भी अपने भाई शनि के बारे में बुरा सोचता था, तब शनिदेव को जीवन में कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने भद्रा को काल का रूप दिया था ताकि यह काल मानव जीवन में दंड के रूप में आए, इसी कारण से भद्रा को अशुभ माना जाता है। यही कारण है कि भद्रा काल के दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं। भद्रा के स्वरूप को समझने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उसे काल गणना यानी पंचांग में विशेष स्थान दिया है। हिंदू कैलेंडर को 5 प्रमुख भागों में बांटा गया है, ये है तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। इसमें 11 करण होते हैं, जिनमें से 7वें करण वृष्टि का नाम भद्र है। भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधी जाती? भद्रा काल के दौरान यात्रा और शुभ कार्य आदि वर्जित होते हैं। रक्षा बंधन को एक शुभ दिन माना जाता है और इसी वजह से इस दौरान राखी नहीं बांधी जाती। पौराणिक कथा के अनुसार भाद्र में सुपर्णखा ने अपने भाई रावण को राखी बांधी थी। इसके बाद उसने झूठ बोलकर दशानन को सीता का हरण करने के लिए उकसाया। इसके बाद रावण का सर्वनाश हो गया। देवी देवताओं के कहने पर भद्रा ने रावण की मृत्यु के समय अपनी छाया डाली। भद्रा काल में राखी बांधने से रावण के पूरे कुल का नाश हो गया। वहीं एक कथा यह भी है कि भद्रा ने शनि को राखी बांधने की इच्छा जताई थी, तब भद्रा द्वारा राखी बांधने के कारण शनिदेव संकटों से घिर गए थे। उस दौरान महादेव ने शनि की रक्षा की थी, इसी कारण से भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती। रक्षा बंधन का शुभ मुहूर्त, बता दें कि इस साल रक्षा बंधन की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:59 से होगा और 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक रक्षा बंधन का शुभ मुहूर्त बन रहा है। हालांकि भद्रा 30 तारीख को रात 9:01 खत्म होगी, वहीं पूर्णिमा तिथि 31 तारीख को सुबह 7 तक समाप्त होगी। ऐसे में भद्रा की स्थिति को देखें तो 31 की सुबह 7 से पहले रक्षा बंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा।